अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुआ है कि एक 60 साल के मर्द का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, यानी यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। हम इसके बारे में किसी लैब या किसी शहर के बारे में बात नहीं करेंगे। इन जनरल मैं चाहती हूँ कि हमारी पब्लिक, मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स को ये अवेयरनेस हो कि किसी भी मर्द में यूपीटी, यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट एंड बीटा एससीजी टेस्ट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या ये लैब की गलती है या इसकी वजह कोई और भी हो सकती है। आइए इसको हम देखते हैं। नॉर्मली ये हमल जब किसी भी खातून का ठहरता है या उसके दिन ऊपर हो जाते हैं तो यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है या बीटा एससीजी का टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। क्योंकि जैसे ही हमल ठहरता है, हमल ठहरने के 10 दिन के बाद जब आप ये टेस्ट कराते हैं, ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये अलामत होती है कि हाँ जी अब हमल ठहर गया है। और खवातीन प्रेगनेंसी के लिए ये टेस्ट कराती हैं, लैब से भी कराती हैं, यूरिन टेस्ट घर में भी किए जाते हैं और ब्लड का टेस्ट लेबॉरेटरी से कराया जाता है। अब ये टेस्ट क्यों पॉजिटिव होता है? जैसे ही हमल ठहरता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बढ़ता है जिस्म में और ये पेशाब के जरिए भी चेक हो जाता है और इसकी मकदार ब्लड में कितनी है ये भी चेक हो जाती है ब्लड के जरिए। अगर खवातीन में ये 5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज्यादा आ जाए तो ये प्रेगनेंसी की अलामत है। नॉर्मल इसकी इतनी वैल्यूज होती है। मर्दों में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन 2.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर नॉर्मली होता है। अगर इससे बढ़ जाए तो ये पॉजिटिव होता है। तो खवातीन में प्रेगनेंसी में ये पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी रिप्रोडक्टिव एज की बीमारियां हैं जिनमें ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। मसलन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पॉजिटिव होता है, मोलर प्रेगनेंसी में पॉजिटिव होता है, ओवेरियन कैंसर में पॉजिटिव हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर में पॉजिटिव हो सकता है, अगर यूट्रस का कोई कैंसर है तो भी, यानी ट्यूमर ऑफ यूट्रस में भी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन राइज करता है जिसकी वजह से ये टेस्ट खून में या पेशाब में किया जाए तो ये पॉजिटिव आ जाता है। तो जनरली तो ये हमल के लिए होता है लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमल का ही टेस्ट हो। अब मर्दों की तरफ अगर हम बात करें तो मर्दों में ये टेस्ट क्यों पॉजिटिव आ गया? ऐसा क्या हुआ कि एक मर्द ने अपना पेशाब का टेस्ट कराया और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया? तो ये किसी लैब की गलती नहीं है। अगर किसी मर्द ने अपना पेशाब का टेस्ट दिया या ब्लड का टेस्ट दिया और उसका बीटा एससीजी टेस्ट पॉजिटिव आता है या यूपीटी पॉजिटिव, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। ये इशारा करता है इस अलामत की तरफ कि इस मर्द में टेस्टिकुलर ट्यूमर का रिस्क है, इसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो बजाय इसके कि हम किसी भी नॉलेज को जो मेडिकल से जिसका ताल्लुक हो उसका मजाक बनाएं, फन बनाएं, लैब्स और डॉक्टर्स पर हम तंज करें, आधी नॉलेज कभी भी कारामद नहीं होती। इसलिए मेडिकल की रिपोर्ट्स को हमेशा मेडिकल के प्रोफेशनल लोगों से डिस्कस कीजिए, अपनी लैब्स को अपने डॉक्टर्स के पास लेकर जाइए और इन बातों में, जब मेडिकल खासतौर पर एक ऐसा प्रोफेशन है, इसके बारे में मजाक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो को ओपीडी के दौरान ही इमरजेंसी में सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए बनाया है कि मर्दों में ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाना टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की एक अलामत होती है कि ये आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लें, खुदा ना करे कि ये कैंसर की साइड पर जा रहा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मानेगा।